Lively Weekends, Lively Weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए. Assalamualaikum and good morning everyone. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे मौसम को. लेकिन अब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और हो चुकी है, और जो हाल चल रहा है हमारे शहर का, जो भी सड़कों का हाल है, आने जाने का हाल है, उससे शायद अब बारिश को आप लोग कम ही इन्जॉय कर रहे होंगे. स्पेशली डिफेंस में जो पानी जमा हो जाता है, लोगों के घरों में पानी आ गया है, तो वो अब जो है वो थोड़ी सी न्यूसेंस बनने लग गई है. अब यही दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह बस ये जल्दी से मानसून सीज़न ख़त्म हो और बैक टू एक नॉर्मल लाइफ, वो जो धूप निकलती थी और क्रिस्पी क्रिस्पी सा फ्रेश फ्रेश सा मौसम होता था, वो ज़्यादा बेहतर है. हम धूप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा बर्बादी चीज़ों की, शहर की, सड़कों की, घरों की, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है. खैर एनीवेज, हमारे अपने कुछ अमाल होंगे. कहते हैं ना कि आप जो बोते हैं वही आप काटते हैं, तो कोई ना कोई हमने कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा लाइफ में कि इस तरीके से इन हालात के चक्रों में हम आ गए. खैर एनीवेज, इतने हफ्तों के बाद हम आए हैं. दो हफ्ते, इतना तो मैंने आज तक लाइवली वीकेंड्स की हिस्ट्री में ऑफ नहीं लिया कि एक हफ़्ता चले हमने कभी ऑफ ले लिया हो तो हम नेक्स्ट वीक पहुँच जाते हैं लाइव शो करने के लिए. लेकिन इस बार तो 2 weeks के बाद जाकर ये थर्ड वीक है जो हम अब जाके लाइव शो कर रहे हैं. एक तो एक वीकेंड तो शायद मैंने ही ऑफ लिया था, मैं छुट्टी पे गई हुई थी, और उसका भी मैं ज़रा आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी. नारान होकर आई हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है नारान देखने का, तो वो भी आपसे बात करेंगे. फिर दूसरा वीक ये था कि आशूरा का चल रहा था तो हमने ऑफ लिया. अब हम पहुँचे और हालात ऐसे थे कि शायद आज भी लाइव शो ना हो, क्योंकि सुबह से जो बारिश हो रही है और जो हालात चल रहे हैं. खैर एनीवेज, हम आ गए हैं लाइव, और कल 14th अगस्त है, तो कल की सेलिब्रेशन होगी हमारे शो पर. आप लोग वो ज़रूर देखिएगा शो और इन्जॉय कीजिएगा. आइए ज़रा हम अपनी प्यारी सी शाज़िया को इनवाइट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. सलाम. लॉन्ग टाइम शाज़िया. क्या हाल है? कैसी हो? कैसी गुजरी छुट्टियाँ? बहुत अच्छी गुजरी. एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया. ऐसा वैसा तो सहेलियाँ मैंने पिक्चर्स देखी थी, मैं देख रही थी, बहुत एंजॉय हो रहा है, मज़े आ रहे हैं. हाँ, वहाँ तो बड़ी खूबसूरत जगह है. आप बताएं, बैठी ज़रा, इतने टाइम तक आपने इन्जॉय किया छुट्टियाँ? नो लाइवली वीकेंड्स, नो कुकिंग. नहीं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, बोर हो रही थी, तो कुकिंग में मज़ा कर लेती. घर पे किया कुकिंग. घर में की? हाँ, घर में की थी, लेकिन एक ही दफ़ा की थी, ऑफिस भी तो आना होता है ना आपको. हाँ, ये बात भी है. लेकिन ये तो बाकी में हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने 2 weeks ऑफ लिया और फिर थर्ड वीक आकर हम जो है चलाए थे हमने. खैर उम्मीद है कि आप लोगों ने रिकॉर्डेड देखे होंगे और इन्जॉय किया होगा. तो एनीवेज, आपका क्या रहा, आपने छुट्टियां किस तरह से अवेल की? बीच में ये मुहर्रम वाली भी आई थी, और घर पे फैमिली आई हुई है. फैमिली? हाँ, भतीजा उसकी. पढ़ने नहीं गई? शाज़िया का मन था मेरे साथ जाने का. अब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया ना, मैं आपको ले चलूँगी. भाई बस हम लोग गए थे, और वो भी ऐसी बारिश में. बड़ा मुश्किल है. थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली रहता है, क्योंकि आपको सस्ते से उसमें फेयर में आपको 7,500-6,500 में आप पहुंच जाते हैं. सेफ? सेफ. बसेस बहुत अच्छी, वेरी कंफर्टेबल. अच्छा. आपकी सीट्स वगैरह आप आराम से सो सकते हैं, रिक्लाइनर थोड़ा सा हाफ उस पर आप वो करें, और हर 2 घंटे के बाद वो बस रुकती है, तो आपको वो घबराहट और बेचैनी नहीं होती ना. अच्छा. जैसे कि ट्रेन में होता है ना, बस ये कि थकान हो जाती होगी. ऑफ कोर्स कितने आवर्स के लिए बैठी? 20 आवर्स. ओह माय गॉड, 20 घंटे. तो उसमें हम पहुंचे, मुश्किल नहीं लगा? और वापस वो भी एक जर्नी थी, वो उसको भी एक एज अ हॉलीडे एक्सपीरियंस लिया कि अच्छा चलो बस से ज़रा ट्रैवल करेंगे. अच्छा. फिर पहुँचे इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद बचत की बचत हो गई. बचत ही बचत. हाँ, बहुत ज़्यादा बचत हो गई. मतलब आपको अगर 50,000 का टिकट पड़ता है, ये 6,500 में आप पहुँच जाते हैं वहाँ, वरना आप 25,000-26,000 में. तो 12,000 में ये आना जाना, आना जाना कर लिया. वापसी में हमने प्लेन ले लिया. सही बात है. बट जगह इज़ ब्यूटिफुल. नारायण वाकई में
जो रास्ता है इस्लामाबाद से टू नारान, इतना कोई हसीन है ना, चलना ज़रूर है, देखना ज़रूर है। पहाड़ ही पहाड़, हरियाली ही हरियाली, मौसम, मैं तो हुंजा भी नहीं गई कभी, हुंजा पे फिर भी धूप और गर्मी होती है, लेकिन नारान तो ऐसा है कि कोई जाए ना जाए मैं शायद निकल जाऊँ ऐसी प्लान करके ना। चले गए, 3 दिन गुजार कर आ गए, होटल भी हम लोगों का बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय किया। चला अच्छा। और मतलब सारे वो उनके टूरिस्ट रिजॉर्ट्स जो हैं वो देखे, मौसम हमें बहुत अच्छा मिला, वहाँ भी यही बारिश बारिश का सीज़न चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कोई लैंडस्लाइड नहीं थी, बहुत सब कुछ अच्छे से हो गया और पहुँच गए खैरियत से, हम खैरियत से इंजॉय करके आ गए। हाँ, और ये मैं वहाँ से शॉपिंग करके लाई वेस्टकोट, शीशे वाली, अच्छा लग रहा है, चूड़ियाँ भी अच्छी लग रही हैं। ये तो खैर नहीं, हाँ ये तो खैर यहीं की है आज, हालाँकि पहनना ये कलर था मैंने, लेकिन वो क्योंकि बारिश की वजह से इतना गीला गीला हो रहा था, तो मैंने कहा छोड़ो आज ऐसी जीन्स जॉगर्स में चले जाओ। अच्छा। कल परसों पहनेंगे। सही है, ब्रेक आ गई है, चलें ब्रेक। इतना कुछ था, 2 हफ्तों की बातें थी, अभी बहुत सारी बातें आज बना के आ रहे हैं। आज हम बना रहे हैं बड़े मज़े मज़े की चीज़ें, आपकी पसंद की एक चीज़ ब्राउनी। हाँ, चीज़ ब्राउनी, चीज़ ब्राउनी बना रहे हैं, और पंजाबी स्टाइल मटन करी बना रहे हैं। हाँ। हरी मिर्च कीमा करेले बना रहे हैं। अच्छा। और मैंगो सैलड बना रहे हैं। ओह माय गॉड, अब बातें नहीं हो सकेंगी, काम करना है आज, मेरा फोकस कुकिंग पे है। सिर्फ कुकिंग होगी, अभी एक ब्रेक लेंगे, सबसे पहले बेकिंग करेंगे। अगर आपने कुछ बीट शीट करना है तो हम बता दें उनको, ब्रेक पे जा रहे हैं। नहीं नहीं, बीट शीट तो कर लिया मैंने, क्रीम चीज़ बनानी थी। ठीक है, तो बस फिर हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद फिर अपनी रेसिपी हाँ। स्टार्ट करेंगे। आप लोग हमारे साथ ही रहिए, कॉल कीजिए, बात कीजिए, बताइए, कुछ पूछिए, और एक ब्रेक ले लेते हैं। जी वेलकम बैक, आ जाएं जी, अब सिर्फ कुकिंग कुकिंग और बेकिंग होगी। शुरुआत कर रहे हैं ब्राउनी, चीज़ ब्राउनी, चीज़ ब्राउनी। ठीक है, इसमें ऊपर की, ऊपर से चीज़ की टॉपिंग आएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें ये 1 कप बटर है। ठीक है, तो ये मैं इसको थोड़ा सा मेल्ट करना होगा, मुझे मेल्ट करके शुगर मिक्स करनी होगी। अच्छा ठीक है। हाँ, ये ब्राउनी का वो तो ये हमने माइक्रोवेव में क्यों नहीं डाल दिया था, ये हो जाएगा अभी। अच्छा। पहले से फिर दिखाना था ना, सामने मेल्ट होते हुए। इसमें चीनी भी मिक्स करनी है ना। अच्छा। हमें चीनी मिक्स करके निकालनी है। अच्छा ठीक है, तो ये तो 2 सेकंड में हो जाता है, बटर का कहाँ टाइम लगता है मेल्ट। हाँ, मैच हो रहा है आपके। और वो एक दफ़ा याद है बटर, हाँ जी, बटर माइक्रो में रखो तो इसलिए डर गई, बोल बोल टूट गया था शादी, इसलिए डर गई, इसलिए कहीं इसमें ही सही है, हम इस पर ही कर लेंगे। अब मैंने रेसिपी में भी ये लिखा है कि आप ना सॉस पैन में कर लें। सही है, सही है, 2 सेकंड तो लगते हैं बटर मेल्ट। ठीक है, ये ब्राउनी चले बटर के लिए कर रहे हो ना। अच्छा, और क्रीम चीज़ की जो क्रीम डलेगी वो, हाँ क्रीम चीज़ में, हाँ मिक्स कर, मैं घर से बना के लाई हूँ क्रीम चीज़ भी। अच्छा, ये क्रीम चीज़ जो घर वाली थी आपकी बनी हुई है। हाँ, इसमें क्या डाला है? इसमें वही चीज़ जो मैंने हमेशा बताती हूँ रेसिपी, चीज़ जैसे बनाते हैं दूध को फाड़ के आप, लेमन जूस डाल के, फिर उसके बाद मैंने ना इसमें थोड़ी सी क्रीम डाली और उसको चॉपर में मिक्स कर लिया, तो ये क्रीम चीज़। कौन सी क्रीम डाली? नॉर्मल क्रीम कोई सी भी डाल लें, क्रीम। ठीक है, क्रीम चीज़ में क्रीम डाली, क्रीम डाल दी 2 टेबलस्पून सिर्फ, उसको वो सॉफ्ट करने के लिए, क्रीमी सा टेक्सचर। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे जो बचता है इसका वे ना। ठीक है, जिसमें आप दूध। अच्छा, तो जैसे आपने क्रीम चीज़ बनाई, ऐसे अगर हम कॉटेज चीज़ में क्रीम मिक्स करें तो वो ऐसा टेक्सचर बनेगा? हाँ बन जाएगा, क्योंकि वो कॉटेज चीज़ ही बना रही हूँ ना एक तरह से, बन जाएगा दूध को, बन जाएगा। ये 2 कप चीनी है ये हम इसमें। ठीक है, कैस्टर शुगर। हाँ, कैस्टर शुगर है, इसमें मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह। पूरा 200 ग्राम वाला था। हाँ, पूरा टिक्किया जो होती है। हाँ ठीक है, 2 कप्स कैस्टर शुगर, शुगर ऐड कर लें, ये अच्छे से मेल्ट कर लें शुगर को, क्योंकि हम बीट नहीं कर रहे ना। हाँ, ब्राउनी इसीलिए आसान भी होती। हाँ, उसमें बीटिंग नहीं होती, सिर्फ बीटिंग इसलिए होगी कि ये मुझे चीज़ को बीट करना है शुगर के साथ, इसलिए मिक्स करना है थोड़ा सा, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। सही है, अंडे हम फेंट फेंट के डाल देंगे। ठीक है, अच्छा इसको पूरा घोलना है चीनी को? हाँ, चीनी को घोलना है कि ये जो इसमें ये बने हुए ना, हाँ, ये ना हो। अच्छा, गुटलियाँ वो दो, ये इससे थोड़ा सा विस्क, विस्क से कर लेती हूँ। ये प्लास्टिक विस्क है ना, जल ना जाए। नहीं तो अच्छा, मेरे पास जो है ना वो स्टील का भी है ऐसा, वो आपका, तो मैं जैसे पैन नॉनस्टिक है ना, इसीलिए मैंने नहीं दिया। कॉलर आ गए जी, आहद राहत टेक्सिला से, टेक्सिस नहीं, टेक्सिला से है। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलामुअलैकुम किरण, क्या हाल है आपका? राहत, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? आपकी आवाज़ सुन के राहत मिल गई। बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ सुन के दिल खुश हो गया। बहुत अच्छी बात है। कैसी हैं आप बताइए, क्या किया आपने इतने टाइम? सॉरी, आपने इतने दिन क्या किया? बस कुछ नहीं, गर्मी इंजॉय की। गर्मी एंजॉय की? अच्छा, बारिश एंजॉय नहीं की? टेक्सिला में गर्मी हो रही है? हाँ जी, बहुत ज्यादा। ओहो, वहाँ पर मॉनसून नहीं चल रहा अभी? नहीं, यहाँ पे अभी नहीं है बिल्कुल भी बारिश वगैरह, एक हफ्ता हो गया नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, चलो सही है। तो फिर अब गर्मी है तो फिर क्या करें, कैसे एंजॉय करें जिंदगी को? बस हम चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं गर्मी के साथ। गर्मी के साथ ही है। सही बात है, एंजॉय करना भी वैसे आसान काम नहीं है। कुछ लोग इतने बोर हो जाते हैं, मिनट मिनट में बोर हो जाते हैं, घर बैठ के बोर हो जाते हैं, एक ही शक्लें देखकर बोर हो जाते हैं। उनको एंजॉय करना ना बड़ा मुश्किल काम नहीं, है नहीं, ऐसे नहीं, मैं बोर नहीं होती, मेरी छोटी सी बेटी है बस उसके साथ जिंदगी अच्छी गुजर रही है। चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, खुश रहें आप। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, थैंक यू सो मच, बस यही कहना चाह रही थी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आपका और आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, थैंक यू, दिल खुश हो जाता है आपसे, बहुत खुश। चलो जी, ठीक है, ये अच्छा सॉल्ट डाल देंगे। हाँ, चीनी मेल्ट हो जाए। हाँ, ये देखिए फौरन जमने लगा ना, एसी चल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम डालेंगे कोको पाउडर 1 कप, 1/4 कप आइए, 1/4 कप, 1 कप अलग है, फिर उसके बाद 1/4 कप, 1 and 1/4 कप। ठीक है, इसको मिक्स कर लें। सही है, विस्क से। बस ब्राउनी की मेन शर्त ये है कि कोको पाउडर आपका अच्छी क्वालिटी का हो। हाँ, अच्छी क्वालिटी का, उससे ही सारा फ्लेवर है, फिर जब ही मज़े का बनता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी जो है ना इम्पोर्टेड चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो मैं तो उन्होंने हटा दिया बैन, वैसे बैन तो हटा दिया, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा अवेलेबल है नहीं है। अच्छा। हाँ, अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बस हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। हाँ, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सॉल्ट हमने डाल दिया, कॉफ़ी भी 1 टीस्पून जाएगी, ये ऑप्शनल है अगर आपका आपको चाहिए। ठीक है, थोड़ा फ्लेवर, सा थोड़ा सा गर्म है ना अभी, तो मौका मौका फ्लेवर करने के लिए। हाँ, थोड़ा सा अच्छा सा आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एग्स चाहिएंगे। कितने अंडे इसमें? 4 अंडे, वैसे तो इसमें 6 अंडे हैं पूरे। अच्छा, टोटल। हाँ, तो फिर आप क्यों 4 डाल रहे हैं? नहीं, इसलिए कि वो चीज़ वाले बैटर में जाएंगे। अच्छा, उसका भी बनेगा। ये हम वनीला एसेंस डाल रहे हैं 1 टीस्पून। ठीक है, अब इसमें एक एक करके हम अंडे डाल देंगे। सही है, 4 अंडे इसमें जाएंगे इसके बैटर में। तो बैटर की चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। हाँ, दूध वूध तो नहीं जाएगा इसमें? दूध जाएगा, लेकिन वो चीज़ वाले उसमें। हाँ ठीक है, ये वाले बैटर में। हाँ, ये वाले, लेकिन कंप्लीट करके ही पूरा रखना है, ऊपर से चीज़ का। अच्छा, लेयर लगा के फिर ओवन में जाएगा। अच्छा अच्छा, लेयर आएगा। ठीक है, तो ये मैं एक एक अंडा करके डाल रही हूँ, क्योंकि अंडों का कभी पता नहीं होता, गर्मी बहुत है ना। हाँ, ख़राब निकल जाए। हाँ, नहीं नहीं, तो ये ख़राब चला जाए बिल्कुल। हाँ, पूरा ख़राब हो जाए। हाँ, सही है। फौरन बटर जो है ना जमने लगता है ना। हाँ, ठीक है जी। हाँ जी, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, आज एनिक्स का गिफ्ट है आप लोगों के लिए, उसके लिए भी आप लोग चाहें तो कॉल करके हिस्सा ले सकते हैं। जवेरिया की कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं किरण? बहुत अच्छी, ओ सो हैप्पी एंड सो पॉजिटिव। हाँ, और ये कह रही थी कि कल पता नहीं मेरी कॉल लगे ना करे, जश्न आज़ादी, आपको इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। हाँ, कल का प्रोग्राम होगा तो सही ना? बिल्कुल लाइव होगा, हम पहले सोच रहे थे रिकॉर्डेड चला दें, फिर हमने कहा नहीं, लाइव चलाएंगे, कॉल्स लेंगे।
मजा आएगा। तो मैं भी होंगी कल। हाँ आज मेरी यहाँ पे लाइव थी, तो आज क्या, आज कौन आया हुआ है आपके यहाँ पे गेस्ट? गेस्ट आई हुई है, एक शाजिया होती है जो एवरी सैटरडे गेस्ट आती है। हाँ वो बस खाने ना अपने फ्यूजन के साथ अपनी अपनी रेसिपी बस वो ट्राई करती रहती हैं, और वो कहती है कि पूछती रहती है कि ट्राई किया आपने, कैसे बनी मेरी रेसिपी। अच्छा अच्छा सही है। और आज का कोई टॉपिक है, आप कुछ पूछ रही हैं आज के टॉपिक? आज का टॉपिक है खुशी। खुशी खुशी के बारे में कुछ सुनाइए। अच्छा खुशी तो भाई सबसे पहले बात है कि अगर हमारा दिल खुश होगा तो हमें हर चीज खुश लगेगी, और अगर हमारा दिल खुश नहीं होगा तो कोई चीज भी हमें खुशी लगेगी। और सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे है, उस आजादी की खुशी की तो बात ही अलग है। इस दिन में तो हमारे सारे पाकिस्तान वजूद में आया था, पाकिस्तान हमारा आजाद हुआ था, ये तो एक बहुत बड़ी खुशी है। सही है। इस खुशी की वजह से हम कितने भी परेशान हो तो हमें एक खुशी महसूस होती ही होती है, चाहे हम अपनी वजह से या घरेलू की चीजों की वजह से कितने भी परेशान हैं, कि हमारे इंडिपेंडेंस डे की वजह से हम सब खुश होते हैं। अच्छा जवेरिया मुझे बताइए, आपने कहा दिल खुश होगा तो हम खुश होंगे, तो ये दिल, हाँ एक बता दो, ये मैदा है 1 कप जो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि ये दिल को कौन खुश करता है? दिल को? हाँ दिल को तो जाहिर सी बात है कि अगर हम खुश हैं, हमारे हालात हैं आजकल जैसे हिसाब से, हमारी अगर हमारी घरेलू चीजें खुश हो, हमारे आसपास की हमारा माहौल खुश हो, हमारे बच्चे सही तरीके से खुश, हमारी फैमिली खुश हो, तो हम भी खुश हो, हर तरह की तकलीफों से दूर हो, अच्छा। तो अब हमारा दिल खुश करने के लिए हमें फैमिली की खुशी चाहिए, हमें हालात अच्छे चाहिए, मौसम अच्छा चाहिए, सेहत अच्छी चाहिए। ओहो बड़ा मुश्किल है फिर तो खुश रहना। खुश रहना बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं इस तरह से है कि हमारी हर तरह के हालात सही होना जरूरी है। हमारे बच्चे खुश रहे तो हम खुश, हमारे घर वाले खुश तो हम खुश, हमारे हमें भी ऐसा होना चाहिए कि हम अपने घर वालों को खुश रखें। अच्छा। तो ही हम खुश रह सकते, जब हम दूसरों को खुश रखेंगे तो खुद ब खुद हम खुद भी खुश रहेंगे। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए कि हम सबको खुश रखें तो हम खुद भी खुश रहेंगे। मेरे नजदीक तो सबसे बड़ी बात यही है, अगर हम खुद भी खुश होंगे सबसे पहले। हाँ सबसे पहले खुद खुश होता तो अब उन्होंने बोला अब हम खुश कैसे होंगे, जब हमारे हालात अच्छे होंगे, हमारे साथ लोग अच्छे होंगे, हमारी सेहत अच्छी होगी, तो ये तो नहीं, ये तो ऐसा हो गया, क्या करें, खुश रहना है जैसे भी हालात हो, कुछ भी हो खुश रहना है, तो जब भी दूसरों को भी खुश रख सकता है इंसान। कितने मजे का बैटर लग रहा है इसमें, आपने डाला 1 कप ऑफ फ्लावर। हाँ 1 कप आई एंड में मैंने डाला। ठीक है अब हम इसको ना इस डिश में डाल देंगे ताकि ऊपर से हमें फिर वो चीज़ वाली लेयर का बता दूंगी। सही है, इसमें हम पोर कर देते हैं इसको ताकि हमारा ये स्पैचुला देती हूँ। हाँ स्पैचुला इधर है नहीं, ये बटर वाला जो ये ले लो चम्मच है वो यूज़ कर लेते हैं। ये लो। अच्छा जी ये और इसके ऊपर लेयर जाएगी और फिर कुछ मार्बल जैसा। हाँ मार्बल जैसा मैं वो ऐसे ठीक है नाइफ से या फोर्क से इसको इफेक्ट दे देंगे। ठीक है ये एक लेयर। ठीक है ब्रेक भी आ गई है और उसकी चीज़ की मिक्सिंग फिर हम ब्रेक से आने के बाद करते हैं। अंडे जब तक बेशक हम तोड़ के रख लेते हैं। सही अलग अलग और उसमें बीटर चलेगा। हाँ ज़्यादा नहीं है वो हम बता देते हैं या तो ब्रेक से पहले ही नहीं मिक्सिंग दिखा देंगे। अच्छा ठीक है हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद आपको चीज़ का मिक्सचर मिक्स कर जो ऊपर लेयर है आएगी चीज़ की वो बताएंगे। ब्रेक अजय जी वेलकम बैक। अच्छा जी फॉर योर इन्फॉर्मेशन FYI है ना, फॉर योर इन्फॉर्मेशन FYI ये है कि मसाला फूड मैगजीन का नया एडिशन आ गया है बाज़ार में, स्टोर्स में, आप लोग लेकर आ जाइए और इसमें मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं और पाकिस्तान की 14th अगस्त की 75वीं सालगिरह के हवाले से भी कुछ एक टॉपिक मैं देख रही थी। डायमंड जूबली इसमें पाकिस्तान की डायमंड। वैसे आपके घर में कोई ऐसा है ख़ानदान में या कभी किसी का देखा किसी ने अपनी 75th एनिवर्सरी मनाई हो? नहीं मनाई वैसे किसी ने भी नहीं, नहीं। 50 तक तो मैंने देखा है बट 75 ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस
किसी कपल की या कुछ ऐसे नहीं मनाई हमारी फैमिली में किसी ने हमारी फैमिली में भी कोई नहीं है। अच्छा ये मैंने 2 कप्स क्रीम चीज़ लिया ठीक है और इसमें ये जाएगी शुगर 3/4 कप ठीक है ये और इसको हम बीट कर लेंगे आइसिंग शुगर हाँ शुगर कोई सी भी ले लें आप हाँ आइसिंग शुगर ज़रूरी नहीं है ग्रैनुलेटेड शुगर ले लें अच्छा लेकिन ये कि बस वो मोटी मोटी नहीं होनी चाहिए ठीक है ठीक है आइसिंग भी ले लें हाँ पाउडर शुगर ले लें अब इसको हम थोड़ा सा बीट कर लेते हैं वैसे ही इसको बीट करने की ज़रूरत नहीं है इकट्ठा डाल दो ना सब तो फिर इकट्ठा बीट कर देना अगर ये 2 कप्स हम ले रहे हैं और बाज़ार की क्रीम चीज़ ले रहे हैं तो फिर बहुत महंगी पड़ जाएगी ये ब्राउनी हाँ बहुत महंगी पड़ेगी आप क्रीम चीज़ घर में बना लें क्रीम चीज़ बहुत महंगी मिलती है क्योंकि सारी इम्पोर्टेड होती है ना बहुत महंगी मिलती है बहुत सस्ती सस्ता कुछ भी नहीं ऐसा है सस्ता कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं हाँ थोड़ा सा मिक्स हो जाए ना इसमें मैं कुछ ऐसा पढ़ रही थी कि हम एम्फसाइज करते हैं नेगेटिव पॉइंट पे अगर महंगी है बहुत महंगी है हाँ थके हुए हैं बीमार है बहुत बीमार है बहुत थकान है अच्छा इसमें मैंने ना जैसे अगर प्रोटेक्टेड मिल्क लिखा है तो आप उसको नॉर्मल मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल मिल्क को वो तो जो होता है कि बस थोड़ा सा ना पका के गाढ़ा कर दें वो बन जाता है तो हाँ ये जाएगा इसमें 1/4 कप ये नॉर्मल मिल्क है नॉर्मल मिल्क के लिए 1/4 कप हाँ क्रीम चीज शुगर और नॉर्मल मिल्क और वनीला एसेंस वनीला एसेंस जाएगी अंडे जाएंगे और मैदा भी जाएगा ठीक है अच्छा ये प्रॉपर वाइट कलर का बैटर बन रहा है क्रीम हाँ। चीज़ से सही है वनीला एसेंस चले जाएगा एक ही बार डाल दो ना अब अंडे हम एक एक करके डालें हाँ मतलब बस डाल दो ताकि खट्टा बीट हो जाएगा ना चलो अंडे दोनों से और क्या और फिर मैं इनमें मैदा डाल दूँ सही है हाँ तो मैं कह रही थी कि हम एम्फसाइज नेगेटिव पॉइंट पर ज़्यादा करते हैं जैसे अभी आपने कहा ना बहुत महंगी है हम तो बोल रहे थे महंगी है महंगी मैं डिनाई नहीं हम नहीं बोली डिनाइल में रहे हम लेकिन हाँ। हम डिनाइल में नहीं रहना चाहिए इंसान को जो चीज़ है वो उसको एक्सेप्ट तो करें ना कि जो कड़वा है हाँ एक्सेप्ट करें जितना ज़्यादा आप कड़वाहट को बयान करेंगे उतनी ही ज़िंदगी कड़वी होगी अब है तो है आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें तो इसीलिए चॉइस है कि कड़वाहट को रखें साइड मिठास की बातें करें अपना हाँ अपना देख लें कि हम उसका अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं वो तो मैनेज हमने करना ही करना ठीक है अब इसमें जाएगा मैदा 1/2 कप ओके ये एक दफ़ा और बीट हो जाएगा इसमें भी इसमें आपने सॉल्ट तो नहीं ये बेकिंग पाउडर रखा लेकिन जाएगा नहीं इसमें ठीक है इसके लिए हम ना दूसरा मंगाते हैं क्या क्योंकि ये ओवरफ्लो हो जाएगा इसके लिए बेकिंग के लिए जो डिश है बेकिंग डिश हमारी आ जाएगा हाँ क्या है ऊपर हो जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा अच्छा ओवर नहीं हो जाएगा नहीं खुला खुले में कर लेते चले आप कह रही हैं हाँ, अच्छा मैदा डालने के बाद आपने सिर्फ फोल्ड किया उसको हाँ, बीट नहीं किया इसको मैं बीट नहीं किया मैंने मैदा डाल के वैसे बीट नहीं करते हाँ फोल्ड ही करना चाहिए ठीक है यूजुअली सही है अब इसके ऊपर अब आप डाल हाँ अच्छा प्री हीट किया हुआ है अवन को 180 डिग्रीज पे ठीक है अब हम इसको ऊपर से हम ये चॉकलेट चिप्स भी इसमें ऐड करें स्प्रिंकल करेंगे मेरा ख्याल से पोर करके इसको हाँ। ओवन में डाल दिया जाए ताकि हमारे हाँ। शो को अच्छा जी क्योंकि ये इतना रनी उसमें नहीं है फॉर्म हाँ। में पेस्ट क्रीमी फॉर्म में है क्रीमी फॉर्म मैदा बस अच्छे से मिक्स हो गया वरना वो कच्चा कच्चा आएगा वो तो खैर हाँ, बेक होके मिक्स हो जाएगा हाँ, क्योंकि उसमें बेकिंग पाउडर है नीचे वाले बैटर अच्छा अब उसको लुक कैसी देनी है इसको नाइफ से कर देंगे ऐसे ऐसे सुरल सा बना देंगे अच्छा, थोड़ा सा जब बेक होगा ना तू हाँ नाइफ या कांटा चीज़ का अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे चीज़ वाले जिसमें चीज़ होती है ना डिश में
मुझे बड़ा मजा आता है। चीज़ केक कितने मज़े का होता है। हाँ, चीज़ केक तो न्यूयॉर्क चीज़ केक काटे से नहीं छुरी से होगा। अच्छा छुरी से कर। और फिर हम ब्रेक ले लेते। हाँ, उसको हम ओवन में डाल दें। ब्रेक में जाने से पहले मुझे बताओ कोई प्याज व्याज ब्राउन होनी है अगली रेसिपी के लिए। हाँ, प्याज होनी है। करेले हमें फ्राई करने पहले तो हम करेले फ्राई करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है ना, फिर ब्रेक लेंगे। सही जी, ये हो गया ऐसा। थोड़ा सा चॉकलेट ऊपर नज़र आए थोड़ी सी। हाँ, अच्छा, और ये भी तो स्प्रिंकल करना। हाँ, इसका भी आ जाएगा ऊपर से। ठीक है, अच्छा सा एक ब्रेक आ गया। बस जा रहे हैं बस। हाँ, हमें ये उस पर कर दें स्प्रिंकल और ओवन में रख देते। चलो जी, ये चला गया ओवन में और हम फ्राई करते हैं करेलों को ऑयल में। और करेलों में कुछ डालेंगे अभी तो सिर्फ फ्राई करना है ना। करेलों को फ्राई करके हम निकाल लेंगे। ठीक, ब्रेक में निकाल लेंगे फ्राई करके। सही है। फिर हम अनियन जो है ना सामने डीप फ्राई से वो नहीं होती डीप फ्राई ब्राउन नहीं होती इसमें अनियन इसमें हल्का सा लाइट सा कलर आता है। ठीक, डीप फ्राई। ठीक है जी, एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। मज़ेदार लग रही है यार मेरी वेस्टकोट। मैं शीशे में कह रही हूँ, स्क्रीन में अभी देखा। बाय द वे, इसकी प्राइस क्या होगी? चलो गैस करो इसकी प्राइस क्या होगी। इसकी प्राइस होगी, वकार कह रहा है 2000। 3000। 3000। हाँ, आप में से कोई है 3000? किरण कंस 3000 दो। 5000 की? 5000 की मैं कोटी खरीदूंगी? नहीं नहीं, इसकी प्राइस उसने बताई थी 1700, मैंने इसको लिया 1300 में। ओह वाह, यस, है ना प्रिटी, जबरदस्त। सो चीप एंड दोबारा जाऊंगी फिर मैं बहुत सारी ले आऊंगी और ऑन सेल लगा दूंगी। बिजनेस करती हूँ अब मैं नारायण के साथ। बिजनेस शुरू कर दो किरण। बिजनेस। अच्छा, ये हम बना रहे हैं हरी मिर्च कीमा करेले। ठीक है, ठीक है। करेलों को मैंने फ्राई कर लिया है, वो जो है ना थोड़े से हो गए काट वाट के। आधा किलो करेले। कितने करेले होंगे? करेले आप आधा किलो लीजिएगा क्योंकि कुछ वो खराब से भी निकल। आधा किलो करेले और कीमा कितना है? कीमा भी आधा किलो। ठीक है, अब इसमें मैं कीमा फ्राई करूँगी। ठीक है, चिकन का। सही है। और ये मटन बीफ चिकन? चिकन है। अच्छा सही है। हम लोग वो भरे हुए करेलो कीमा खाए? हाँ, भरे हुए जो भरे हुए भी होते हैं कीमा भरे करे। मुझे वैसे ये वाला पसंद है। हाँ, मुझे भी ये पसंद है क्योंकि ये रोटी से भी खा सकते हैं। वो भरे हुए समझ नहीं आते किस तरह खाएं। और फिर वो बहुत मोटा मोटा करेला कैसे खाएंगे इसमें? प्याज सिर्फ ना ब्राउन नहीं कर रही, सिर्फ सौते कर रही। ठीक है, हल्की सी। और फिर इसमें चिकन का कीमा डाल देंगे। ठीक है। कल मैंने एक प्याज लिए मैंने और लौकी का भुट्टा बनाया तो मुझे शाजिया याद आई। तो मैं हमेशा इसको कहती रहती हूँ, याद आई थी वाकई में ऐसी। और मैंने वीडियो भी बनाई है, अभी मैं डाल दूंगी इंस्टा पर अपने। अच्छा, इसको एडिट कर। अच्छा, ये 1 टीस्पून इसमें जीरा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम चिकन का कीमा ऐड, साथ में हम वो मटन का जो पंजाबी स्टाइल मटन करी है वो भी चढ़ा देते हैं। सही, पहले इस कीमा चीज़ें डाल देते हैं ना, जो चीज़ें कीमा फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये फ्रोज़न। सही है, ढक के रखना और रख देना। हाँ, ढक के तो नहीं रखना, बस ऐसे। अच्छा, हाँ सही, वो जब तक इसको हल्की आँच कर दो। हाँ, प्याज के साथ ही थोड़ा सा खुल जाएगा। हाँ, वो मोस्टली आ जाते हैं क्योंकि उसको उसकी फ्राई करनी है हमें। सही, प्याज। अच्छा, ये आप बना रही है करी, गोश्त? हाँ, मतलब थोड़ा सा शोरबे जैसा होगा। अच्छा, पंजाबी स्टाइल? हाँ, पंजाबी स्टाइल। ये मेरी एक पंजाबी दोस्त थी कॉलेज की, बहुत पहले कॉलेज में पढ़ते थे। हाँ, तो वो जैसे लंच पे लाते थे सब खाने ना घर। हाँ, से। हाँ, तो सब मुझे ऑफर करती थी। अच्छा। हाँ, मैं बड़ी जो है ना उस जमाने में शुरू से बड़ी खाने पीने में थी। खाने पीने में
तो सारी मुझे ऑफर करती थी, शाजिया ये खाओ ये खाओ। हमारा एक तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी ना, वो तो डेली मेरे लिए नाश्ता लाती थी डेली। और मैं नहीं लाती थी, वो ही लाती थी। अच्छा, माहिरा उसका नाम है, उसका नाम ले लूँ, मेरी दोस्त। अभी भी इन टच? हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये रेसिपी उसी से ली है दोस्त जो आपकी? वो दूसरी फ्रेंड थी, हाँ, पंजाबी। तो फिर मैंने उससे पूछा क्या क्या डालती हो, इतना मज़े का लाती हो, तो कह रही मेरी मम्मा पकाती हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा कि वो इतनी अच्छी, पहले मुझे याद है उसकी रेसिपी। हाँ। और बहुत ईजीली थी ना, उससे याद भी रहेगी। अच्छा। उसने गर्म मसालों का बताया था ये डालती हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा मैं वो बना, पंजाबी थे वो काफ़ी, मतलब पंजाबी जो खास होते हैं ना बिल्कुल। हाँ हाँ। तो कह रही थी हमारे घर में बनता है, मेरी मम्मा बनाती। हुमा की कॉल है, अस्सलाम वालेकुम हुमा। अस्सलाम वालेकुम किरण आपकी। वालेकुम अस्सलाम हुमा, आपके हाल कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं किरण? अरे मैं तो इतने मज़े में हूँ, बहुत खुश हूँ जी। हमें ऐसे खुश रहें। हाँ, ऐसे ही खुश रहें। हमेशा खुश रहें आज से ही। आप भी खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए। थैंक यू। दिन आपको जी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, पूरी टीम को, आपको भी, आपकी पूरी फैमिली को भी। झंडा छंडा लगाया आपने कुछ? थैंक यू जी। झंडा वगैरह लगाया, गुब्बारे लगाया, बलून वगैरह लगाए हैं। अच्छा, बिल्कुल इस्तेमाल होता है हमारे घर में। अच्छा, क्या क्या होता है जी? हम कपड़े वगैरह पहनते हैं और झंडिया वगैरह घर में लगाते हैं, बलून वगैरह लगाते हैं। अच्छा, और फिर बाहर निकलते हैं जी? बाहर ही नहीं जाते हम ना, बाहर नहीं जाते, घर में आप लोग सेलिब्रेट लाइट्स देखने जाते हैं, पूरा एंजॉय कर लेते हैं। चलो वेरी गुड। और लाइटिंग जी, और लाइटिंग वगैरह देखने जाते हैं? हाँ, क्योंकि पूरा सजता है। कोई सवाल है आज का? आज का सवाल खुशी जी। खुश कैसे रहती है? अगर दिल खुश होगा तो हम भी खुश होंगे, हमारा दिल अंदर से रो रहा होगा तो हम भी रो रहे होंगे, अगर हमारा दिल हंस रहा होगा तो हम भी बाहर से हंस रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है हम अल्लाह की इबादत करें तो हमारा दिल और ही खुश हो जाता है, दूसरों को अच्छी बातें सिखाएं तो हमारा दिल और खुश होता है। अच्छा, बस सही है। और दूसरों को चलाएं तो फिर भी हमारा दिल बहुत खुश होता है। चलो बहुत अच्छी बात है, और उदास नहीं होना चाहिए, हमेशा खुश रखें। ठीक है जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ माँ। अच्छा, यहाँ पर आपने प्याज को थोड़ा सा गोल्डन, हल्का सा गोल्डन कर लिया। ठीक है, अब इसमें मैं टोमेटोज डाल देती हूँ। सही है, ये पंजाबी स्टाइल की गोश्त की कड़ी बन रही है। हाँ, कड़ी मीन सालन। सालन, ठीक है, वो कड़ी नहीं। हाँ, कड़ी नहीं, बेसन सालन है। टमाटर और ये आधा किलो गोश्त मैंने वो कर लिया था बॉईल। ठीक है, वो ऐड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, क्या कुछ डाला हुआ होगा इसमें? मैंने काली मिर्च, तेज़पत्ता, लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है, और लौंगे दो चार, वो डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था रात को। सही है, ये साथ साथ पक जाएगा ना तो जल्दी हो जाएगा, वरना हमारे पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि हाँ। देखिए कीमा अभी तक बर्फ बना हुआ। नहीं तो एक काम करो, इसको थोड़ा और हल्का रखो, इसमें जो चीज़ें डालनी है ना इसको कर दो, ताकि ये बहुत वो हो जाएगा, कभी इधर कभी उधर, खुद भी कंफ्यूज हो जाओगी। मैं नहीं कंफ्यूज तो नहीं होंगी, वैसे मैं ऐसे पका चुकी हूँ, जले जैसे घर में कोई दावत हो ना, तीन डिशेज चूल्हे पर चढ़ी हुई हैं, वो तीनों को पकाना। नहीं दावत तो देखिए ना, ये दावत नहीं है ना, यहाँ तो हम सिखा रहे हैं। हाँ, वहाँ तो हम बना रहे हैं। मल्टीटास्किंग आनी चाहिए, वैसे सब कर लेती हैं औरतें, मल्टीटास्किंग। हाँ, पूरे घर संभाल रही हैं, हाउसवाइफ्स। हाँ, सब अच्छे से कर लेती हैं, हस्बैंड को संभाल रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, सास ससुर को अच्छा। संभाल रही हैं, घर को संभाल रही हैं, बाहर की चीज़ें ला रही हैं। मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हाँ, ये कर दो। अच्छा, इसमें जो ये मैंने लिखे हैं मसाले, क्लोव और धनिया, ये सारी हमने चीज़ें जो है ना ये पीस के रख ली, ये ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। क्या चीज़ें बता? लौंगे हैं 1 टीस्पून, ठीक है, ये दालचीनी है एक, ये इलायची है काली, धनिया है, इसको रोस्ट करना था, और हमने इसमें और भी चीज़ें हैं, ब्लैक कार्डमम हो गई, सिनेमन हो गई, ब्लैक पेपर हो गए, काली मिर्च हो गई, ये काली मिर्च, ठीक है, सारी चीज़ें रोस्ट करके, धनिया, दालचीनी, बड़ी इलायची, हाँ, 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं इंग्रेडिएंट्स, इनको आप भूने और पीस लें, पीस के ये मसाला बन जाएगा। ठीक है, इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, ठीक
सही है, प्याज टमाटर उबला हुआ गोश्त और जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। ये धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, ये जीरा, जीरा पाउडर गरम मसाला होगा, जीरा है, जीरा पाउडर है, ठीक है। ये जीरा साबुत डाल, साबुत जीरा, हाँ, धनिया पाउडर, लाल मिर्च है 2 टीस्पून, लाल मिर्च डाल दो, हल्दी आ गई 1 टीस्पून, और ये जो हमने मसाले रोस्ट किए थे उसका पाउडर आ गया, ठीक है। हम मिक्स कर देंगे, सही है। ये उसी की सेम रेसिपी बना रही दोस्त की जो, हाँ, उसने बताई थी जो मुझे याद है अभी तक। इसमें और कुछ जाएगा मसाला, पानी वानी डालना इसमें? हाँ, पानी जाएगा। हम इसमें ना ये हरी मिर्च का पेस्ट है वो भी जाएगा। अच्छा, हरी मिर्चों का, और थोड़ा पानी डाल के हम इसको थोड़ा रख देंगे ताकि गोश्त जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और शोरबा सा भी बन जाए, ठीक है। भून ले थोड़ा सा, सही। इसमें कोई टमाटर टमाटर डालें? हाँ, टमाटर डालें, 2 टमाटर डालें, सही। अच्छे से भून जाएगा तो 2-3 टमाटर डाल दें। ऑयल मैं कम रख रही हूँ, ठीक है, ऑयल कम ही यूज़ करें तो अच्छा है सेहत के लिए, सही है। ये जब तक भून रहा है, यहाँ कीमे को कुछ करना है? कीमे में बस हम सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, इसको भी चढ़ा दें, इसको भी चढ़ा दें ब्रेक में जाने से पहले, क्योंकि ब्रेक आ रही है। हाँ, अच्छा, अभी तक कीमे में हमने सिर्फ प्याज को हल्का सौते किया और कीमा डाला था, ये सिर्फ हमें आखिर में डालना है, कोई कड़वाहट आ जाएगी, इसको पकाएंगे ना। हाँ, करेलों को तो करेलों को निकाल दिया, इसको हम ढक देते हैं, ठीक है। अब इसमें ये बड़ा इजी होता है और कीमा करेले बहुत पसंद है मुझे तो। अब जो मसाले डालने वो डाल दो, हाँ, वरना ब्रेक भी चले जाएंगे। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। इसमें जाएंगी ये साबुत लाल मिर्चें, ठीक है, जाएंगी टमाटर, जाएंगे चॉप 2 से 3, ठीक है। सारी चीज़ें डाल देते हैं हम। हाँ, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, ठीक है, लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमने साबुत भी डाली है इसलिए कम डाली है, 1/2 टीस्पून डालने हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ठीक है, 1 टीस्पून, हाँ, अच्छा। सॉल्ट डालने हैं, हफ्ते जायका, ये हो गए सारे मसाले। हाँ, बस इसको भून के ना, क्योंकि कीमा जल्दी बन जाता है, आपको टाइम नहीं लगेगा कि इसको पकना है बहुत देर, सही है, बस टमाटर थोड़े से गल जाए। हाँ, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, फिर हम एंड में इसमें करेले ऐड करें, ठीक है जी। यहाँ पर हम ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेक से आने के बाद क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा? हाँ, वो मैंगो सैलड रह गई ना हमारी, वो तैयार हो गई, सैलड रह गई, खींच लिया इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं। बाय द वे, ब्राउनीज की शक्ल बहुत अच्छी आ रही है, वो बेक हो रही है और ऊपर आ रही है और यम्मी यम्मी लग रही है। इंजॉय करेंगे मैं और शाजिया, आप लोग फिलहाल इंजॉय कीजिए एक ब्रेक और फिर हम वापस आते हैं। आसन जी, खुश आमदीद, और हम जो है वो शो के एंड एंड की तरफ पहुंच रहे हैं। अब एक हमारी सैलड रहती है, मैंगो सैलड। हाँ, मैंगो सिंपल सी है, इसमें भी सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, चॉप करके रख लिया हमने, सारी चीज़ें मिक्सिंग कर ली है बस। वैसे ये मैं मैंगो गार्निश के लिए निकाल रही थी और इसमें अच्छा क्यूब्स साइज, तो ये यहाँ वाला जो मैंगो है, अब मैंगो जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं। मैंगो का एंड चल रहा है, एंड चल रहा है, इसीलिए तो ये, और ये बिल्कुल टेस्टलेस वाले होते हैं, वाइट से। ये सैलेड टीम में सही लगे। ये हमें ऑफिस वालों ने दिया है, वो मैंगो है। इसको थोड़ी देर और, वैसे मैं घर से भी लाई हूँ, पक जाता। नहीं, पका भाई, पका भाई, फुल पका भाई, कलर ही वाइट है इसका। हाँ, वो इसी तरह यहाँ पर जो देते हैं सिर्फ फार्म के मैंगोज जो थे ना, वो बहुत ज़बरदस्त थे, बाकी यहाँ जो बाज़ार में मिले वो मज़े के लिए। अच्छा जी, हम अब जो है ये दोनों चीज़ें आपको ज़रा खोल के, ये इनकी डिशेज़
दिखा भी देते हैं, ये भुन रहा है ज़रा सा, भुनना तो मैं चमचा चला ना। हाँ इसको ना इसके टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा हम फिर हम कीमा करेले बना रहे हैं, चटपटा सा बनेगा ये। हम इसमें सौंफ, अच्छा सौंफ कलौंजी, खास इसका मेन जो रेसिपी होती है सौंफ और कलौंजी, बहुत मज़े का बनता है। और खड़े मसाला टाइप का कीमा बनाते हैं जिसमें साबुत लहसुन वसन डाल के चॉप, अच्छा वो पिस जाता है, ऐसी साबुत लाल मिर्च, लेकिन सौंफ और कलौंजी उसका मेन। कलौंजी तो अच्छी चीज़ है वैसे भी, कलौंजी ना एक चुटकी आप हर खाने में डालते हैं, उससे ना टेस्ट आता है आपके खाने में कलौंजी। नायरा पर है ना वो हमेशा कलौंजी डालती है हर खाने में, नायरन सारी। मैं भी जब याद आता है ना तो मैं भी एक चुटकी ज़रूर खाना पका रही होती हूँ उसमें डाल देती हूँ। ये कीमा तो डन हो गया, तो इसमें हम नायरा पर नज़र नहीं आई किसी चैनल पर काफ़ी टाइम से, फ्राई किए हुए करेले ऐड करें। ठीक है हम इसको पकाएंगे नहीं ना ज़्यादा, ये क्रंची क्रंची से अच्छे लगेंगे ग्रीन ग्रीन से, इसका फ्लेवर आ जाएगा। हाँ ठीक है जी, ये हो गया और इसकी भी शक्ल दिखा देते हैं, ये थोड़ा ये सा अभी कुक हो रहा है थोड़ा सा, ये हो गया। इसमें बस हरी मिर्चें डाल देंगे धो के। अच्छा आप आम काटते काटते कहाँ चली गई? इस पे चली गई कीमा करेले पे। इशाजिया की ये बहुत आदत है ना, एक काम करते करते छोड़ के दूसरे पर दूसरे पे चली जाती हूँ। अभी आम काटेगी थोड़ी सी, फिर उसको रख के जाएगी ओवन पे चेक करेगी। अच्छा मैं ज़रा ब्राउनी ब्राउनीस भी चेक करनी है। अच्छा वैसे इसका ये थोड़ा सा कुक होगा ना, ऑयल ऊपर आ जाएगा अभी ऑयल। सैलेड में वैसे वही आम चीज़ें हैं, प्याज टमाटर खीरा हरी मिर्च। हाँ सिंपल वही, हरा धनिया, कोई ड्रेसिंग वगैरह? ड्रेसिंग बस काली मिर्च है और ये हेलोपिनोज हैं थोड़ी सी। अच्छा वो जाएंगी, सही है, वो थोड़ा सा फ्लेवर चेंज कर देंगे। ठीक है इसमें काली मिर्च जाएगी, ये ऑलिव ऑयल है। ठीक है 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ले लें आप, सही है। हेलोपिनोज ले लें, आपकी मर्ज़ी है जितना आप पसंद करते हैं, वैसे अच्छी होती है इसमें टैंकी सा फ्लेवर आता है। काली मिर्च ले लें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हम, फीकी फीकी सैलड अच्छी नहीं लगती। सही है, तो थोड़ी सी मिठास आम से आ जाएगा, आम से मीठा हो जाएगा। ठीक है इसमें हम सारी चीज़ें डाल देंगे। एक शिमला मिर्च चाहिए, ब्राउनीज चेक करती हूँ मैं। नहीं ये मिक्स करके, ठीक है खीरा है ये, क्यूब में है सारी चीज़ें, अनियन है चॉप, टमाटर है एक ये भी क्यूब में, और ये हरा धनिया। ये क्या? हरा धनिया, हरा धनिया और मैंगो जाएगा, मैंगो जाएगा, मैंगो के मैं क्यूब्स काट लेती हूँ अभी। ठीक है वो मैंने गार्निशिंग के लिए निकाला। सही है तो सैलेड रेडी है, बस मैं ब्राउनी देख लूँ पहले, फिर प्लीज़ देख लें, मुझे ब्राउनी का ही इंतज़ार है, ब्राउनी का इंतज़ार है आपको। चीज़ ब्राउनीज़ खा कर देखेंगे फिर आपको बताएंगे। ओके हो गई? नहीं अभी नहीं हुई, थोड़ा सा 5 मिनट और है, हल्का सा अंदर से। वैसे ब्राउनी ना थोड़ी ऐसे निकालते हैं हाफ कुक, हाँ हाफ, क्योंकि वो फिर कुक फुल नहीं, हाँ थोड़ी सी अंदर से हो, वरना वो बहुत ओवर बेक होके ओवर बेक के ड्राई हो जाती है। ये थोड़ी सी तो हम इसको बंद कर देते हैं, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। सही है तो हमने अगर ब्रेक लेनी है, रिकैप ब्रेक है अभी या ब्रेक है? ब्रेक ले लेते हैं ना, ब्रेक ले लेते हैं, हमें भी वक्त मिल जाएगा जब तक। हमने ओवन बंद कर दिया है ब्राउनी का, लेकिन उसका कंटेनर निकाल रही हूँ। हाँ निकाल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ग्लव्स कंटेनर हम निकाल देते हैं और ग्लव्स चाहिए थे मुझे, ब्रेक से फिर वापस। गाने का मजा बढ़ता है जो भी काम
काम करते हुए हमें जब तस्वीर बच्चों का केक कट रहा होता है ना तो बच्चे ऐसे देख रहे होते वैसे किरण तुम बच्ची लग रही फिर वो सोच रही मुझे कि खा सकते नहीं है कट सकता नहीं है तो मैं भी बस ऐसे ही देख रही हूँ ब्राउनी को क्योंकि गर्म है बहुत गर्म है तो ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए और किरण वैसे बच्ची लगती हो हूँ मैं बच्ची हो हर हर एक इंसान के अंदर तो बच्चा है तो है ही ना दिल तो बच्चा है दिल तो बच्चा मैं ये ना सलाद तैयार कर ली है और अब ये कीमा करेला मैं ट्राई करना चाह रही थी कीमा करेले ट्राई कर लो कोई ब्रेड या कुछ है लाई हो सॉरी ब्रेड नहीं ऐसे ही ट्राई कर लो अभी तो चटपटा सा बना होगा मज़े का है और करेले का फ्लेवर आ रहा है और ज़्यादा कड़वाहट भी नहीं आ रही है करेले की कड़वाहट हाँ क्योंकि अलग ऑयल जो है ना मैंने वो डिस्कार्ड कर दिया हाँ। था मतलब जो इसने फ्राई किया था उस ऑयल में नहीं बनाया मैंने सही है। आप भी जब बनाएं तो ऑयल जो है ना चेंज कर लें नहीं अच्छा बना है रोटी के साथ बहुत मज़े का लगेगा रोटी के साथ हाँ ऐसे करेले को नमक शमक लगा कर कुछ किया था कुछ भी नहीं करती मैं कभी भी मैंने करेले बनाए कुछ भी नहीं लगाती मैं ऐसे ही काटती हूँ और मेरे कभी कड़वे नहीं बनते वो ज़्यादा सही रहता है ऐसा फ्राई कर लो ना सही हुआ तो मैं थोड़ा सा ले जाऊँ अच्छा चिकन का है बाय द वे हाँ ना और मटन में हो तो वो और अलग एक फ्लेवर देगा बट मज़े का लग रहा है चिकन के साथ भी तो इसको मैं साफ कर लूँगी सिर्फ हमारा मटन रह गया शक्ल देख लें हम मटन की कैसी मटन का थोड़ा सा ऑयल ऊपर आना है उसकी कड़ी रख करी सालन रखोगी हाँ थोड़ा सा शोरबा करेंगे इसकी सही है वो लग रहा है कि ढाबा या होटल होता है ना ढाबा उसमें जो वो मटन या कढ़ाई टाइप की चिकन का जो वैसी खुशबू आ रही है ढाबे की ये आपने मेरे लिए बचाया है हाँ आप कह रही थी ना मैं लेके जाऊँगी हाँ मैं थोड़ा सा ले जाऊँगी ना घर में रोटी इसमें बस हरा धनिया ऊपर डालना है और हरी मिर्च सही है जी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं वैसे हमारी आज की आपने अगर मिस कर दी हो तो अभी हम थोड़ी देर में आपको रीकैप भी दिखाएंगे इन रेसिपीज़ का आप लोग देख लीजिएगा आप कट सकता है वैसे ब्राउनी ट्राई करें ट्राई करते हैं बख्तियार काट नहीं छोड़ेंगे ट्राई कर लेते हैं हाँ अब पहले तो हम साइड से थोड़ा सा वो करेंगे कॉलर है इकरा अस्सलाम वालेकुम इकरा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसी हैं किरण बहुत अच्छी हूँ आप कैसी हैं मुझे ये बताइए अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी बहुत मज़े में बहुत खुश ओह वेरी गुड और कल की कितनी खुशी है कल की एक तो खुशी समझिए कि होती तो है लेकिन कल मेरी अम्मी की बर्थी भी होती है 14 अगस्त को अच्छा सो सॉरी है कि हम कौमी परचम भी लगा देते हैं अच्छा और वैसे भी मैं समझती हूँ कि झंडियों की जगह पहले मतलब हम करते थे सेलिब्रेट अम्मी के जाने से पहले अब भी करते हैं लेकिन उस तरीके से कि नहीं क्योंकि खुशी के साथ साथ थोड़ा सा गम भी है लेकिन यह है कि जैसे प्लास्टिक की शीट होती है ना उनको हम ना एक जैसे डोरी सी होती है उसके ऊपर स्लाइड करके वो लगा लेते हैं ग्रीन और वाइट ना बल्ब की तरह जो रोशनी होती है छोटे छोटे बल्ब होते हैं उनको हम अरेंज करके लगाते थे क्योंकि झंडियाँ पाँव में आती है उसके बाद कोई भी उसकी कदर नहीं करता जो कौमी परचम हमारे पाँव में नहीं आना चाहिए और वैसे एक दूसरा ये भी कह रहा था कि जैसे ही आपका प्रोमो चलना शुरू होता है ना जी मेरे एक छोटे भाई है जहनीब नॉर्मल मंगोल स्पेशल पर्सन अच्छा लेकिन है तो मैच्योर यानी कि 17-18 साल उनकी एज है अच्छा लेकिन वो कहते हैं बस मुझे ना हलवा पूरी लेनी है देखो किरण भी तो खाती है ना अच्छा उनको बार बार हलवा पूरी का बहुत शौक है आपके प्रोमो में आप हलवा पूरी खाती है ना बिल्कुल बिल्कुल तो वो कहती है कि बस देखो किरण भी तो खा रही है ना हलवा पूरी मैंने भी खानी है हर रोज खानी है वो तो शुक्र करें कि सिर्फ सैटरडे संडे को अगर प्रोमो देखें तो हलवा पूरी वैसे मुल्क के लिए ये कहूँगी जुग जुग जी है हमारा प्यारा वतन लग पे दुआ है दिल पे लगन आमीन आमीन बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अल्लाह हाफिज अच्छा जी अब ये है कि आज की प्रेडिक्शन है तूफ़ानी बारिश की अगर वाकई में तूफ़ानी बारिश हो गई तो हमें नहीं पता कि कल क्या हमारे शो पर क्या हमारी सारी चीज़ें जो लाइनअप हुई हुई हैं वो वैसी ही होंगी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे खैर एनीवेज हमने छोड़ दिया है अपना काम पूरा किया है बाकी अल्लाह की जो मर्जी अच्छा जी क्या है अभी सीन
बस ये हमें मटन हो जाए हमारा, थोड़ा सा ऑयल छोड़ दे। हाँ तो हम इसको, मैं उसको कोशिश करूँ, देखो डिश आउट कर लेंगे। इससे तो ये सही नहीं है, साइड्स इसकी लूजन लूज कर देती हैं थोड़ी सी, है ना। एक स्लाइस काट, वो काट के देखें स्क्वायर। नहीं अभी तो मैं साइड से कर, ओके दिस इज डन। अभी एक दो दिन तक ना मैं कौन सा बनाना ब्रेड ही की परफेक्शन ला रही थी अपने। अच्छा स्लाइस कर दूँ। वीकेंड ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, और मैं जब तक इसको कट करती हूँ आप एक ब्रेक लीजिए, रिकैप ब्रेक लीजिए। ऑयल आ जाए जी, वेलकम बैक। और यहाँ पर हम आपको बता दें, हमने अवन से निकाल तो दी थी ब्राउनीज, लेकिन बीच से मैंने जब कट किया तो हमें वो लावा केक लगा, तो हमने इसको दोबारा से डाल दिया। नो वरीज एट ऑल, ब्राउनीज की यही खास बात है। और बाय द वे बनी बहुत मज़े की हैं, जो एक पीस मैंने काट के निकाला है बहुत मज़े का फ्लेवर आया है, कोको पाउडर और हर चीज़, चॉकलेट और वो चीज़ का थोड़ा सा कम है, लेकिन बीच बीच में आ रहा है वो कॉटेज चीज़ वाला फ्लेवर ना, तो वो अच्छा लग रहा है। और मिठास भी बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छी रेसिपी है शाजिया इसकी ब्राउनी की। थैंक यू, ट्राई करें लोग, ट्राई करेंगे ना फिर पता चलेगा। हाँ लोग ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर। और मैं ज़रा सा ये सालन चखने आ रही हूँ पंजाबी स्टाइल, जो आपकी पंजाबी दोस्त की रेसिपी है। इसी तरह ही बनता है, कलर भी ऐसा ही होता है उसका कलर। उसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर अभी आया नहीं है, इसमें ऑयल थोड़ी देर आप ढक के रख देंगे ना तो ऑयल ऊपर आ जाएगा। मैंने निकाल लिया, फ्लेवर मज़े का है, मज़े का है ना, थोड़ा सा जैसे वो कलर लेकिन ब्राउन नहीं होता है, कुन्ना टाइप फ्लेवर आता है ना सालन, मिक्स फ्लेवर है, फ्लेवर मज़े का है, डिफरेंट फ्लेवर है। अच्छा जी, हमारे एनएक्स के गिफ्ट कौन से हैं, विनर कौन है? महानूर ने लाहौर से विन किया है हमारा एनएक्स का गिफ्ट। आज की रेसिपीज़ जो हैं मज़ेदार सी रेसिपीज़ थी शाजिया। हाँ थैंक यू। हाँ क्योंकि ब्राउनी का फ्लेवर भी बहुत मज़े का है, और अगर आप इसको हम बड़ी डिश में लेते हैं आप जैसे कह रही थी तो वो जल्दी बेक हो जाता। हाँ क्योंकि वो फ्लैट होता, फ्लैट होता इसलिए। हाँ वो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, कंटेनर बहुत मैटर करता है बेकिंग में आपको, तो वो पहले हम बड़ी डिश ले रहे थे वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा उसमें कुक भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो फैल जाता है ना, लेयर छोटी हो जाती है, लेयर छोटी। हाँ तो जिस तरह की शेप आपको ब्राउनी की चाहिए आप उस तरह से, हाँ स्क्वायर शेप या कोई भी, वरना फिर देर तक रखें, देख तक वरना देर तक रखें। अच्छा सालन भी मज़े का है और कीमा करेला भी मज़े का है, तो आपको कैसा लगेगा? मज़ा, जब अच्छा बनती चीज़ तो मज़ा आता है। तो अच्छी बनी है चीज़ें, आपने क्या चखी? मैंने ब्राउनी चखी है और कीमा करेले चखा था, नहीं सॉरी मैंने वो चखा था या सालन ये ले। अच्छा जी, और हमारा पंजाबी स्टाइल मटन करी चखा था मैंने, नान के साथ अच्छा लगेगा। हाँ ये नान के साथ, ये रोटी के साथ नहीं, नान के साथ इसका, और ये रोटी के साथ अच्छा लगेगा। हाँ कीमा करेले मैं लेकर, चावल के साथ भी खा सकते हैं, नहीं बॉयल चीज़ें रोटी नान वाली है मज़ेदार सी। हाँ बॉयल राइस के साथ वो हो जाएगा फ्लेवर, बिल्कुल बैठ जाएगा। एनीवेज ये हमारा आज का शो था, और अब इंशाल्लाह आप भी कल हैं अगर तो हालात सब सही रहते हैं, अल्लाह करे सही हैं बस। कल हम न्यू ईयर बोल रही हूँ, 14 अगस्त मना रहे हैं। हाँ न्यू ईयर ही है एक तरह से, पाकिस्तान का तो नया साल शुरू होगा। हाँ तो वो आप उसको एनिवर्सरी बोलें, सालगिरह बोलें, डायमंड, तो वो डायमंड जुबली हम सेलिब्रेट करेंगे आप लोगों के साथ, आप लोग भी खूब इन्जॉय कीजिएगा इन एडवांस। आप लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, हम दोनों को इजाज़त दीजिए, मेरी तरफ से भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। लाडली वीकेंड्स, लाडली वीकेंड्स, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लाडली वीकेंड्स।
वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लाइवली वीकेंड्स Lively weekends, lively weekends, lively.